Hey everyone, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आई एम श्योर आपने ना दो स्कीम्स देखी होंगी, ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका मतलब क्या होता है? वेल, ग्रोथ ऑप्शन में म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो भी प्रॉफिट बनाती है वो उस स्कीम में री इन्वेस्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ पेइंग आउट टू द इन्वेस्टर्स। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाते हैं, आप प्रॉफिट्स पर प्रॉफिट्स अर्न करते हैं और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट का फायदा मिलता है। वहीं डिविडेंड ऑप्शन में म्यूचुअल फंड स्कीम्स द्वारा बनाए गए प्रॉफिट्स सर्टेन इंटरवल्स पर आपको पे आउट हो जाते हैं। सबसे कॉमन डिविडेंड पे आउट इंटरवल एनुअल होता है, यानी कि सालाना होता है। हाउएवर, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स दूसरे पे आउट इंटरवल्स भी ऑफर करती हैं, फॉर एग्जांपल डेली, मंथली, क्वार्टरली एटसेट्रा। अब हो सकता है आपने एक नया टर्म सुना हो, IDCW। जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखते हैं तब IDCW। वेल, सेबी ने डिविडेंड ऑप्शन इन म्यूचुअल फंड को चेंज करके टर्म IDCW रख दिया था अप्रैल 2021 में। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया था अंडर दिस डिविडेंड ऑप्शन, आप नोटिस करेंगे कि आपके म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम के बगल में IDCW लिखा हुआ होगा आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, जो कि AMC आपको भेजती है। नाउ, ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी में हुआ चेंज है, एज सच इसका कोई इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं पड़ा है। प्लीज डू नोट दैट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का IDCW ऑप्शन ग्रो ऐप पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि क्यों ग्रोथ ऑप्शन म्यूचुअल फंड स्कीम के डिविडेंड ऑप्शन से बेटर है, देन प्लीज कीप वॉचिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया है तो प्लीज हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप वेल्थ बिल्ड कर सको। तो आइए अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ और डिविडेंड प्लान होता क्या है। सी, म्यूचुअल फंड स्कीम्स ब्रॉडली आपको दो चॉइसेस, यानी कि दो ऑप्शंस देती है जब भी आप स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो है ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान। ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान दोनों के ही जो अंडरलाइन पोर्टफोलियो है ना, वो एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि कैसे ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने द्वारा अर्नड रिटर्न्स को कैसे आपको दे रही है प्लान्स में। फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड स्कीम के डिविडेंड प्लान में आप रेगुलर इंटरवल्स पर अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को रिसीव करने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम के 5000 यूनिट्स ओन करते हो। फंड डिक्लेयर करता है ₹1 पर यूनिट का डिविडेंड, तो आपको ₹5000 मिलेंगे एज डिविडेंड इन दैट म्यूचुअल फंड स्कीम। ऑन द अदर हैंड, अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम के ग्रोथ प्लान को चूज करते हैं, जो म्यूचुअल फंड स्कीम ने रिटर्न्स बनाए वो वहां पे री इन्वेस्ट हो जाएंगे, आपको कोई भी रेगुलर इंटरवल पे डिविडेंड रिसीव वगैरह करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे रिटर्न री इन्वेस्ट हो जाते हैं, आप रिटर्न पे रिटर्न अर्न करते हैं और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। आइए अब कुछ रियली इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये जो डिविडेंड का नॉमिनक्लेचर है ना, ये 1 अप्रैल 2021 से चेंज हो गया था। अब एज सच कोई डिविडेंड जैसी चीज म्यूचुअल फंड में नहीं है। जिसे पहले डिविडेंड कहा जाता था उसे अब सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, और म्यूचुअल फंड स्कीम में जिस चीज को डिविडेंड प्लान कहा जाता था अब उसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान, यानी कि IDCW प्लान कहा जाता है। तो सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम के डिविडेंड ऑप्शन का ये नॉमिनक्लेचर आखिर चेंज क्यों किया? देखिए, बहुत से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स डिविडेंड को मिसअंडरस्टैंड करते थे, कि वो सोचते थे कि ये बोनस है एंड दैट इज ओवर एंड अबव द रिटर्न्स जो उनका म्यूचुअल फंड स्कीम डिलीवर कर रहा है, वो ऐसा सोचते थे। अब ये काफी मिसलीडिंग हो गया था। तो क्योंकि जब आपको म्यूचुअल फंड स्कीम से डिविडेंड मिलता है, वो स्कीम एक्चुअल में क्या कर रही होती है आपको पता है? जो पैसा आपका ऑलरेडी है ना, वो ही उसको निकाल करके आपको दे रही होती है। सो ऑन द स्क्रीन लेट्स सी एन एग्जांपल एज टू हाउ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स इन म्यूचुअल फंड्स। मान लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू ओन इज 5000, NAV ऑफ ईच यूनिट इज ₹20, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई 5000 × 20, विच इज इक्वल टू 1 lakh rupees। डिविडेंड अनाउंस्ड मान लेते हैं ₹1 है, तो आपकी अर्निंग्स डिविडेंड्स से हुई ₹5000। हाउएवर, ये अमाउंट कोई एडिशनल इनकम थोड़ी ना है। ये जो ₹5000 है जो आपको एज डिविडेंड पे किए गए हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट से ही तो रिड्यूस हो जा रहे हैं। जिस दिन म्यूचुअल फंड स्कीम आपको डिविडेंड पे आउट करने का ट्रांजैक्शन इनिशिएट करती है, आपके स्कीम का जो NAV है ना, वो ₹1 से ड्रॉप होता है, 20 की जगह ₹19 हो गया है। आपका जो NAV हुआ आफ्टर द डिविडेंड पे आउट, वो हुआ ₹20 − ₹1, विच इज इक्वल टू ₹19। सो द वैल्यू ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिविडेंड पे आउट के बाद हुआ ₹19 मल्टीप्लाइड बाय
5,000 units, which is equals to ₹95,000. In other words, जब आपको ₹5,000 का dividend मिल रहा है, mutual fund scheme में आपका investment ₹1,00,000 से कम होगा, ₹95,000 हो गया है। अब आप screen पे difference देख सकते हैं growth और IDCW plan के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं about the profits booked by the fund managers. Dividend option में ये distribute हो जाता है investors को, वहीं growth option में ये reinvest हो जाता है in the same scheme. बात करते हैं नेट असेट्स वैल्यू यानी कि एनएवी की, तो डिविडेंड्स पेड आर डिडक्टेड फ्रॉम द एनएवी. एग्जांपल, ये एक्स डिविडेंड एनएवी जो होती है आपकी, वो लोअर हो जाती है डेफिनेटली. व्हाई? बिकॉज एनएवी में से डिविडेंड कम हो गया है. वहीं ग्रोथ ऑप्शन में एनएवी हायर होगी क्योंकि प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट हो जा रहे हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है. बात करते हैं टोटल रिटर्न्स की, तो डिविडेंड ऑप्शन में जो टोटल रिटर्न्स होंगे, इट विल बी लोअर कंपेयर्ड टू द ग्रोथ ऑप्शन लॉन्ग टर्म में. व्हाई? बिकॉज पीरियोडिक पेआउट्स मिल रहे हैं. वहीं ग्रोथ ऑप्शन में टोटल रिटर्न्स जो होते हैं वो यूजुअली हायर होते हैं कंपेयर्ड टू द erstwhile डिविडेंड ऑप्शन, सफिशिएंटली लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हराइजन के केस में. बात करते हैं टैक्सेशन की, तो डिविडेंड ऑप्शन में टैक्स लगता है एज पर द इनकम टैक्स स्लैब रेट ऑफ द इन्वेस्टर. और ग्रोथ ऑप्शन की बात करें तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है उस पर टैक्स लगता है एसटीसीजी टैक्स रेट और एलटीसीजी टैक्स रेट के अकॉर्डिंग, जब भी आप रिडीम करते हैं इन्वेस्टमेंट को. नेक्स्ट बात करते हैं कि किसे इन्वेस्ट करना चाहिए डिविडेंड ऑप्शन में. तो अगर आपको रेगुलर कैश फ्लोज की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है आपके इन्वेस्टमेंट से, तो आप डिविडेंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करिए. वहीं बात करते हैं ग्रोथ ऑप्शन की, तो अगर आपको रेगुलर कैश फ्लोज की एज सच आवश्यकता नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करें ग्रोथ ऑप्शन में, तो आपके टोटल रिटर्न्स हायर हो जाएंगे. आइए आईडीसीडब्ल्यू वर्सेस ग्रोथ को एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करते हैं कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में ग्रोथ ऑप्शन में और आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन दोनों में ₹10,000 ईच इन्वेस्ट कर रहे हो. इन दोनों ही ऑप्शन के एनएवी एज ऑन 1 अगस्त 2021 ₹20 है. अब आप इस इन्वेस्टमेंट को 31 जुलाई 2022 को रिडीम कर रहे हैं. आइए देखते हैं कि दोनों ही ऑप्शंस के अंदर यानी कि ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू के अंदर वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट क्या है. तो एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड ऑन 1st अगस्त हम 20 मान रहे हैं दोनों में ही, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 500 यूनिट्स के तौर पे ₹10,000. एनएवी 31 जुलाई 2022 को है ₹25. फंड जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है आईडीसीडब्ल्यू प्लान में वो है ₹5, वहीं ग्रोथ प्लान में वो निल है. तो आपने जो डिविडेंड रिसीव किया अंडर द आईडीसीडब्ल्यू प्लान वो हो गया 500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹5 डिविडेंड डिक्लेयर्ड, व्हिच इज ₹2,500. और वहीं ग्रोथ प्लान में ये कुछ भी नहीं है. तो जो पोस्ट डिविडेंड एनएवी हुआ वो आईडीसीडब्ल्यू में कितना हुआ, 25 - 5 व्हिच इज इक्वल टू ₹20. और ग्रोथ प्लान में ये 25 ही रहा जो 31 जुलाई 2022 का था. ठीक है, यूनिट्स इश्यूड अगेंस्ट डिविडेंड की अगर हम बात करें तो आईडीसीडब्ल्यू प्लान में ये होगा डिविडेंड रिसीव्ड व्हिच इज 2500 डिवाइडेड बाय एनएवी पोस्ट डिविडेंड व्हिच इज ₹20 व्हिच इज इक्वल टू 125 यूनिट्स. और वहीं ग्रोथ प्लान में ये निल है. तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड कितने हो गए, यहां पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय द इन्वेस्टर हुआ यूनिट अलॉटेड माइनस यूनिट इशूड अगेंस्ट डिविडेंड. यानी कि 500 यूनिट अलॉट हुए थे और यूनिट्स कितने आपको अगेंस्ट डिविडेंड इशू हुए, 125. दोनों को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 375. ग्रोथ प्लान में ये अभी भी 500 यूनिट्स ही हैं. आपका एनएवी यहाँ पे हो गया ₹20, हमने पहले देखा था पोस्ट डिविडेंड, और ग्रोथ प्लान में वो जो कहते हो ₹25 है. तो आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुई आखिरी में, इट्स द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर होल्डिंग राइट नाउ मल्टीप्लाइड बाय एनएवी. तो आईडीसीडब्ल्यू प्लान में ये हो गया 375 यूनिट्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 20 जो आपका न्यू एनएवी था व्हिच इज इक्वल टू 7500. वहीं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ग्रोथ प्लान में जो आपके 500 मल्टीप्लाइड बाय 25 यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एनएवी है वो 12,500 है. ये कैसे बढ़ चुका है, तो इस टेबल से आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे आपने क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ किया बताइए. आप देख सकते हैं कि ग्रोथ प्लान में एनएवी और फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू दोनों ही हायर है देन द डिविडेंड प्लान. ऐसा इसलिए है क्योंकि डिविडेंड्स डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद एनएवी फॉल डाउन हो जाती है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी फॉल डाउन हो जाती है जितना फंड ने डिविडेंड पे किया उतने से. तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं दोस्तों. क्या बेटर है, क्या ग्रोथ प्लान बेटर है, क्या म्यूचुअल फंड का डिविडेंड ऑप्शन बेटर है, ये सवाल है. सी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है वो बिलीव करते हैं कि बेटर है कि आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दे वो. लेकिन आईडीसीडब्ल्यू प्लान्स क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके पैसे को जो आप ही का था वो आपको आपसे लेकर आप ही को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. इवन अगर आपको रेगुलर इनकम अर्न करनी ही है म्यूचुअल फंड से, तो बेटर है ना कि आप ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट करिए और अपनी जरूरत के हिसाब से मनी को विड्रॉ करते रहिए rather
देन कि आप उसको म्यूचुअल फंड के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि वो डिसाइड करे उन्हें कब पैसे निकालने हैं आपके। मोरओवर अगर आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ऑन कर सकते हैं तो ग्रोथ ऑप्शन प्रेफरेबल होगा। IDCW ऑप्शन के कंपैरिजन में आपके NAV की लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको वेल्थ क्रिएट करने में और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल अचीव करने में हेल्प करेगी, क्योंकि डेफिनेटली आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट अचीव कर रहे हो। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आई रियली होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग कंटेंट के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.